अगर परमेश्वर दाऊद को गोलियात से जिता सकता है, अगर परमेश्वर इब्राहिम इसहाक और याकूब को, इसहाक को अकाल में परमेश्वर फसल, वो भी 100 गुना फसल दे सकता है, तो मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उससे? आज की जो तकलीफें हैं आपके सामने, जो बीमारियां हैं, जो दुख हैं, जो कर्जे हैं, जो बच्चे की प्रॉब्लम, पति की प्रॉब्लम, उसके पीने की प्रॉब्लम, वो पराए रिश्ते में चला गया है, वो व्यभिचार कर रहा है, आप परेशान हो घर में, बच्चा एक साइड में जा रहा है, लड़का एक साइड में, लड़की एक साइड में, आप अकेले पड़ गए हो, आपको लग रहा है कि क्या करूं, पंखे में रस्सी लटका करके लटक जाऊं, मैं जहर खा लेती हूं, या फिर मैं जा करके कूद जाती हूं साबरमती, छलांग लगा देती इस नदी में उस नदी में। तो जब ये सब आपके दिमाग में चलता है, तब ये लोग क्यों नहीं सोचते कि प्रभु अगर इन सब लोगों के साथ में भलाई कर सकता है, इनके सामने आपसे भी बड़े बड़े खतरे और मुसीबत नहीं थे क्या उस जमाने में? आज के जमाने से ज्यादा थी, तब भी तो वो सर्वाइव हुआ, परमेश्वर ने उनको जिताया, परमेश्वर ने उनको आगे बढ़ाया। आपको क्या लगता है क्यों आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते विश्वास के आधार पर? क्यों आप बढ़ नहीं सकते? क्यों आप हिम्मत बांध नहीं सकते जब ऐसे लोगों को परमेश्वर ने आगे बढ़ाया? तो आपको क्या लगता है क्या प्रभु आज आपको छोड़ देगा जबकि उसने अपने बेटे को बलि चढ़ा दिया? आपको मालूम है बाइबल रोमी अध्याय 8 में लिखा हुआ है यदि उसने अपना पुत्र दे दिया। देखो रोमी 8:32 कहता है जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसने हम सब के लिए दे दिए, वह उसके साथ हमें और कुछ की तुमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम में वो थे, तुमसे भी ज्यादा समस्या में वो थे, फिर भी मैंने उनकी सुधि ली। फिर तुम काहे के लिए एक रिपोर्ट पे सेंटर्ड होकर के बैठ गए, अब तो हो ही नहीं सकता कुछ, ब्रदर जी से लिख दिया अब तो कुछ होगा ही नहीं। इस लिखे हुए, इस बाइबल के लिखे हुए का क्यों विश्वास नहीं करते तुम, जो एक साधारण व्यक्ति की कलम से लिखी हुई बात को आप विश्वास करते, लेकिन परमेश्वर ने आत्मा से लिखवाया उसको आप विश्वास नहीं करते। आप निराश मत हो, आप घबराओ मत, आप दुखी मत हो। मैं कह रहा हूँ जहाँ सूखा है परमेश्वर वहाँ पर हरियाली लाएगा। मैं कह रहा हूँ प्रभु जिस जगह पे ना उम्मीदी है, जहाँ पर आपको रिजेक्शन मिले प्रभु वहाँ पर आपको खड़ा करेगा। जिस जगह पर आप रोए हो प्रभु, उस जगह पर आपको मुस्कुराने की ताकत देगा। हिम्मत मत हारो। पॉल ने कहा इसी कारण हम नहीं हारते क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसे जानता हूँ, वो कोई मामूली नहीं है, वो परमेश्वर है जिसने अपने पुत्र को जो परमेश्वर है उसको इंसान बना दिया। वो परमेश्वर है जो नीचे चला आया, वो परमेश्वर है जो मेरे खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो परमेश्वर है, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है।